दोस्तों मेरा नाम है देवधन अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 जनवरी का बैच, मेरे सारे स्टूडेंट। मुझे बताइए कैपेसिटर का क्लास किस किस को समझ में आया? आज का क्लास कैसा लगा आपको? कि कहां के निकालने हैं और कहां के चेंज करने हैं? कौन कौन चेक करता था कैपेसिटर? ठीक है, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान दो। थर्मिस्टर बताओ यार, थर्मिस्टर कौन कौन चेक कर लेगा बिना डायग्राम के? बिना डायग्राम के चेक करके रात में इंच आउटपुट लेंगे। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट, एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे साथ उधर से। मैं 10 साल से लाइन में हूँ, लेकिन मुझे आज तक सीपी रिवॉल्विंग नहीं आई। आज मेरा फर्ज था, मैंने 5 बार सीपी रिवॉल्विंग की। टेक्निक कैसी है बता रहे? बहुत ही बेस्ट है सर, जो भी समझाने का सर का तरीका है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी उसको समझ सकता है। बताइए कैसा रहा क्लास आपका? आप जितना सोच के आते हो ना, उससे कई गुना आपको ज्यादा मिलता है। इससे उधर बैठ के सोचने से अच्छा आप इधर आके लाइव देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से पूरा जितना प्रो लेवल का बनना है वो बन के जाओ। बाकी सब दुकान पे काम ही तो होता ही तो है। मैंने कोई मिठाई का पैकेट दिया अभी शाम से? जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। आज आपका पहला दिन था, तुम ही बोलो, मैं कुछ नहीं पूछता आपसे। सवेरे से शाम मैं बोल रहा हूँ भाई, एक बार आके देख, पूरा दुकान पे लाइन लग जाएगी ग्राहकों की। चलिए ठीक ठीक। और कंपोनेंट की क्लास कैसी रही आपकी? सर बहुत अच्छी रही कंपोनेंट। तो जो सर पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल आपको मिलता है या क्लास में? नहीं मिलता है सर, पूरा प्रैक्टिकल मिलता है, पूरा मिलता है। एक एक चीज के डाउट क्लियर होते हैं आपके? यस सर। रिवॉल्विंग की ट्रिक कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। कैसी लगी? खूब बेस्ट। बेस्ट है यस सर। उसके बाद फिर देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी आपकी? पूरा डिटेल में बताया उनको, उन्होंने हमें खूब अच्छे से समझा दिया। और उसके बाद प्रैक्टिकल किया आपने? आपने जी सर। सर बहुत अच्छी क्लास रही, जितना सोच के आया था उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। उम्मीद है, पता है कि उससे ज्यादा ही लेके जाएंगे। अभी तक जीरो पे थे हम, 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सब जीरो पे थे। आज ही लग रहा है कि हीरो बने जा रहे हैं। सर पहले लगा था कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। आज पहला दिन है भाई, बहुत पहला दिन है, बहुत बढ़िया गया है और सब कुछ अच्छे से समझाया सर जी। मैं जितना सोच के आया था उससे काफी अच्छा करने को मिला यहाँ पे प्रैक्टिस। और यहाँ टीचरों का नॉलेज कैसा भाई? नॉलेज वो बहुत अच्छा है सर, जितना सोच के आया था उससे ज्यादा है सर। आज की क्लास माइंड ब्लोइंग थी। माइंड ब्लोइंग क्लास, जो सोच के आ रहे हो लग रहा है पूरा होगा वो, उससे बेटर। उससे कंपोनेंट की क्लास थी, रजिस्टर और कैपेसिटर की, एकदम डीपली नॉलेज दिया सर देवरत्न सर ने। सर की बहुत बढ़िया क्लास रही, डीपली नॉलेज मिला है, फुल प्रैक्टिकल हुआ है, एक भी कंपोनेंट नहीं छूटा सर। कोई भी मिस नहीं हुआ? नहीं सर। वफा खान मुंबई से। वफा खान मुंबई से जी सर। जी वफा खान, आज क्या बोलेंगे आप मुंबई के लिए? पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा। देव सर कितने दिन से काम कर रहे हो इस फील्ड में भाई? सर 7-8 साल से हैं। 7-8 साल से पीसीबी पे काम नहीं किए इस महाराष्ट्र से। संतोष आज क्लास बहुत बढ़िया रही सर, जो जानकारी नहीं चाहिए नहीं मालूम थी सब मिली, एकदम बढ़िया क्लास रही सर। पर का पहला दिन कैसा अनुभव? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। क्या सवेरा आपने आईसी रिवॉल्व किया? जी सर, मैंने 8 बार कर दिया। 8 बार किया जी। अभी मैं आपको कोई सी भी मेमसी दूंगा दुनिया की, तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं, क्या मसला है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं सर। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
से? 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ सर। और अभी कितने बज रहे हैं? 8। कितने घंटे की क्लास? 12 घंटे। 12 घंटे की क्लास? यस सर। रिवोल्यूशन हाँ सर। किसने किसने रिवोल्यूशन की? सबने की। सबने की? यस सर। कोई बचा है क्या? नहीं सर। कोई भी एक बचा हो तो नाम बताओ। नो सर। कोई भी नहीं बचा? नो सर। कटरा से, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कटरा से? यस सर। कैसा पहला दिन था आपका? सर बढ़िया था। बढ़िया था सर। कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा। जो सोच के आया मिलेगा सर उससे ज्यादा मिला। ज्यादा मिला? यस सर। चलिए ठीक। रोहन कहाँ से? झारखंड। झारखंड से। आज कौन सा दिन था आपका? पहला दिन। कितनी बार रिवॉल्व किया ऐसे आपने? 4 बार। 4 बार पूरे क्लियर हुए? पूरे। आपने एक एक कंपोनेंट चेक करा यहाँ पर? यस। लाइव चेक करा? यस। ठीक है। नाम बताइए अपना। सर अमन साहू। अमन, कैसी रही भाई क्लास आज आपकी? सर बहुत बढ़िया रही, पूरा डिटेल में बताया गया और सारा चीज समझ में आया। सारी चीज समझ में आई। कितनी बार आईसी रिवॉल्व किया आपने? 4 बार। ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, प्रदीप कुमार। प्रदीप बताइए कैसी रही क्लास आपकी? पहला दिन था आपका। बहुत अच्छी रही सर। बहुत अच्छी रही आपकी? हाँ जी सर। और कंपोनेंट की क्लास कैसी रही आपकी? सर बहुत अच्छी रही कंपोनेंट। तो जो सर पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल आपको मिलता है क्लास में? नहीं मिलता है सर। पूरा प्रैक्टिकल मिलता है? पूरा मिलता है। एक एक चीज के डाउट क्लियर होते हैं आपके? यस सर। ऐसा कोई सा बच्चा है क्लास में कि जिसको सीरीज नहीं मालूम है, पैरेलल नहीं मालूम है, कंपोनेंट नहीं मालूम है, कंपोनेंट के नाम नहीं मालूम है, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या? नहीं सर। है क्या? नहीं सर। किसी का डाउट बाकी है क्या? नहीं सर। आज का काम पूरा फिनिश हुआ हमारा? यस सर। पूरा फिनिश हुआ? यस सर। अभी कोई भी स्टूडेंट कोई सी भी वैल्यू का रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकता है? यस सर। सिराज वेस्ट बंगाल से। कैसी रही वही क्लास आज आपको? बहुत बढ़िया सर। अल्टीमेट? कोई डाउट नहीं सर। कोई भी रजिस्टर दे चेक कर लोगे? कैसा भी हो, कैसी भी पीसी भी हो, सीरीज क्या, पैरेलल क्या, सब मालूम? ठीक है। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट रही क्लास आज आपको? बहुत अच्छी रही सर। कंपोनेंट की बात करे तो? सारा चीज। देव सर की बात करे तो? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त? पूरा नॉलेज दिमाग तक घुसता है आपको? उसके बाद यहाँ का पूरा प्रैक्टिकल मिल रहा है आपको? मोहम्मद फैजान, कहाँ से हो भाई? यूपी। फैजान ये बताओ कैसी रही क्लास आज? बेस्ट सर, खूब बढ़िया। सवेरे की क्लास, दोपहर की क्लास, रात की क्लास, 3 इनिंग होती ना हमारे? यस सर। है ना? क्रिकेट में भी 2 इनिंग होती है, यहाँ 3 होती है। है ना? एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो देता कि नहीं देता? यस सर। देता है ना? यस सर। है ना? 101% मिलता है। अभी बताओ मेरे को कि अगर रिबोलिंग की ट्रिक कैसी लगी आपको? खूब बढ़िया लगी। कैसी लगी? खूब बेस्ट। बेस्ट है? यस सर। उसके बाद फिर देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी आपकी? पूरा डिटेल में बताया उनको, उन्होंने हमें खूब अच्छे से समझा मुझे। और उसके बाद प्रैक्टिकल किया आपने? आपने जी सर। अगर देखो बिहार से बहुत जनता देख रहे हैं, बिहार के मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, है ना? यस। क्या बोलोगे भाई? आज आपका पहला दिन था, तुम ही बोलो, मैं कुछ नहीं पूछता आपसे। सगरे से सामने मैं बोल रहा हूँ भाई, एक बार आके देख, पूरा दुकान पे लाइन लग जाएगी ग्राहकों की। चलिए ठीक है। ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। निहाल सतारे। निहाल को बताइए कैसा रहा क्लास आपका? सर आप जितना सोच के आते हो ना उससे कई गुना आपको ज़्यादा मिलता है। इससे उधर बैठ के सोचने से अच्छा आप इधर आके लाइव देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से पूरा जितना प्रो लेवल का बनना है वो बन के जाओ। बाकी सब दुकान पे काम ही तो होता ही तो है। मेरा कोई मिठाई का पैकेट दिया अभी शाम को? जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। सर बहुत अच्छी क्लास रही, जितना सोच के आया था उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उम्मीद है, पता है कि उससे ज़्यादा ही लेके जाएंगे। अभी तक 0 पे थे हम, 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं लेकिन सब 0 पे थे। आज ही लग रहा है कि हीरो बने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है गुजरात से जी, बोलिए। मयूर सिंह जाडेजा। मयूर क्या बोलोगे भैया को? सर पहले लगा था कुछ मिलेगा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। आज पहला दिन है भाई? बहुत पहला दिन है, बहुत बढ़िया गया है और सब कुछ अच्छे से समझाया सर जी। मैं जितना सोच रहा था उससे काफ़ी अच्छा करने को मिला यहाँ पे प्रैक्टिस। और यहाँ टीचरों को नॉलेज कैसा भाई? नॉलेज वो बहुत अच्छा है सर, जितना सोच के आता उससे ज़्यादा है। पहले हम CPU रिवॉल्व करने में थोड़ा हमको डाउट था, डर लगता था, अब पूरा कर सकते हैं। सर आज की क्लास माइंड ब्लोइंग थी। माइंड ब्लोइंग क्लास, जो सोच के आ रहे हो लग रहा है पूरा होगा वो? उससे बेटर। कंपोनेंट की बात करें तो उसके बारे में सारा डीपली नॉलेज दी गई है हमें, रेजिस्टेंस की और कोड की और कोड और फ्यूज थर्मल सब की अच्छी नॉलेज दी गई। इसके बारे में कुछ पता नहीं था जो सर ने पढ़ाया आपको। यस सर। है ना? तो उसका प्रैक्टिकल आपका 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। यस। 5 बजे छोड़ा सर ने आपको, 3 घंटे यहाँ प्रैक्टिकल करा। तो वो प्रैक्टिकल में जो सर ने पढ़ाया वो पूरा का पूरा बाय प्रैक्टिकल आपने PCB पे करा कि नहीं करा? सर बाय एक एक कंपोनेंट हम चेक करना आ गया हमें और बहुत अच्छी नॉलेज दी है सर ने। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए। जो कंपोनेंट की क्लास थी रजिस्टर और कैपेसिटर की, एकदम डीपली नॉलेज दिया सर देवरत्न सर ने।
वो सर ने आपको मतलब वो जो जानकारी हमारी पीसीबी पे होती नहीं है वाली जानकारी दी क्या आपको? यस सर, कि जो पीसीबी पे फैक्ट होता है वो जानकारी दी आपको? यस सर। और वो चीज की जानकारी अगर सर ने दी है तो आपने पीसीबी पे ऑन पीसीबी पे आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? तो प्रैक्टिकल में कोई डाउट है क्या? सब क्लियर होगा सर। माय नेम लक्ष्मण जायसवाल, यूपी जी। सर आज कंपोनेंट की क्लास थी, देव सर की बहुत बढ़िया क्लास रही, डीपली नॉलेज मिला है, फुल प्रैक्टिकल हुआ है, एक भी कंपोनेंट नहीं छूटा, कोई भी मिस नहीं हुआ? नहीं सर। किसे? हाँ, देवरिया जिला से जी, बोलिए। आज बहुत अच्छी क्लास थी, कंपोनेंट का पूरा बढ़िया नॉलेज मिला है, और आई सी रिवाल भी किए हैं, एमएमसी का पावर कितनी बार किया आपने? सात बार किया। सात बार की, तो ये कोई आप फेक रिव्यू दे रहे हैं कि बाकी बच्चे नहीं, आपने किया? मुझे मिला है वो चीज़ बता रहे हैं। चलिए ठीक है। एसएमडी का नाम भी नहीं पता था, हम समझते थे और दो नहीं है, यहाँ पता चला कि एसएमडी ही होता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप एसएमडी को टेक किया, बात हाथ में लिया? और आईसीबी रिवॉल्व की चार बार रिवॉल्व हो गया, अब कभी नहीं लिया था ये एसएमडी, अभी ट्राई भी नहीं किया था ना, रिवॉल्व हो गया। ठीक है, ये तो स्किल वाला काम है, जैसे टेलीकॉम का स्लोगन है, अगर आप चाय बनाने वाले बच्चे को भी पहुंचाओगे तो हम उससे सीपीयू निकला के लगा लेंगे सारे फॉर्मेट वाला, है ना, ये एशिया टेलीकॉम का स्लोगन है। चौथे दिन आप 4G सीपीयू लगा के अपने मोबाइल से चालू कर देंगे, इस चीज की गारंटी है, है ना। तो वो गारंटी जो हम बोलते हैं तो वो आपको दिख रही है यहाँ पे? सच दिख रही है। अच्छा ये बताइए मेरे को, आप फर्स्ट टाइम एसएमडी पकड़ी आपने, वो ठीक है, बाद में आपकी देव सर के साथ क्लास थी, तो कंपोनेंट जितने भी बताया आपको पूरे दिमाग में आए कि नहीं? पूरे दिमाग में आई है ना, पूरे अच्छे से नॉलेज हुई है कंपोनेंट के बारे में। बात करें सीरीज की, बात करें पैरेलल की, बात करें रजिस्टर की, बात करें कैपेसिटर की, बात करें थर्मिस्टर की, डुअल रजिस्टर की, थर्मिस्टर की, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई। कोड रजिस्टर का क्या काम है, नॉर्मल रजिस्टर का क्या काम है, सारी चीजें क्लियर हुई ना आपकी? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वफा खान मुंबई से। वफा खान मुंबई से? जी सर जी। वफा खान, क्या बोलेंगे आप मुंबई के लिए? पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा। कितने दिन से काम कर रहे हो इस फील्ड में भाई? सर 7-8 साल से हैं। 7-8 साल अभी पीसीबी पे काम नहीं किए, पीसीबी पे काम नहीं किया। आज फर्स्ट दिन किए हैं, सीपीयू रिवॉल्विंग किए 6-7 बार, और पूरे कंपोनेंट्स और रजिस्टर सबकी जानकारी मिली, आज बहुत अच्छा लगा सर। कोई टाइम पास तो नहीं कराता? नहीं नहीं, टीचर 12 घंटे बोलता है तो यहाँ पे नहीं, टाइम पास नहीं है, टीचर बैठ के उधर बाहर चाय पीते हैं, तुमको बोलते हैं चलो तुम काम करो, ऐसा होता है क्या? पूरा बाहर है, किसी के स्टिक है कि नहीं यहाँ पर? बहुत ज्यादा स्टिक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, संतोष महाराष्ट्र से। संतोष, आज क्लास बहुत बढ़िया रही सर, जो जानकारी नहीं चाहिए नहीं मालूम थी सब मिली, एकदम बढ़िया क्लास रही सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। मेरा नाम हुजैफा अली है और मैं बूंदी राजस्थान से। हुजैफा, क्या बोलेंगे भाई तुम? बहुत अच्छा, ईस्ट और वेस्ट, एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, मेरे साथ उधर से भी दोनों तीनों आ जाओ भाई। बताओ, मुस्तफा भी है मेरे साथ, ये भी है, बताइए मुस्तफा कैसे रही क्लास आपकी? सर बहुत अच्छी लगी, जितना सोच के आया। मुस्तफा इसके पहले क्या करते थे बेटा, यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? सर मोबाइल दुकान ही थी, नॉर्मल बेसिक रिपेयरिंग बस होती थी, बाकी पीसीबी के बारे में, कंपोनेंट के बारे में आज कोई अच्छे जानकारी मिली। तो आपकी हाई टेक्निक पे आप जाने वाले हैं, शुरुआत आपकी कंपोनेंट से हो रही है, शुरुआत आपकी रिवॉल्विंग से हो रही है, तो कोई भी पैटर्न में आप पीछे रह रहे हो क्या? नो सर, किसी चीज़ में पीछे नहीं है, बल्कि और जरूरत ज़्यादा आगे ही होते जा रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ स्टूडेंट है, सर मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, मैं यूपी से आया हूँ जी, कुशीनगर से जी। मैं जो सोच के आया था सर, उससे बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। मैं 10 साल से इस लाइन में हूँ, लेकिन मुझे आज तक सीपी रिवॉल्विंग नहीं आई। आज मेरा फर्स्ट था, मैंने 5 बार सीपी रिवॉल्विंग की। टेक्निक कैसी है बता रहे? बहुत ही बेस्ट है सर, जो भी समझाने का सर का तरीका है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी उसको समझ सकता है वेरी इजी तरीके से। ये नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड सिखाया जाता है, आप आओगे तो डरोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आओ सर, ऐसा सिखाएंगे कि एक मिनट में सीपीयू का कोई भी एमसी कुछ भी हो आप लगा के जाओगे यहाँ से। चलिए ठीक है, और सीख के जाओगे। और बात रही कंपोनेंट की, कंपोनेंट सर बहुत ही इजी, आप लोग जो भी आपने कंपोनेंट सिखाया बहुत ही इजी तरीके से, हम लोग चेक भी किए हैं, बताए भी, वैल्यू भी लिखे हैं, सब कुछ हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए जी, बताइए। मैं एमपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिवनी से। मैंने आज तक कभी मोबाइल का कवर भी नहीं खोला था। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। एक मैं एक बार मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, ऑल इलेक्ट्रीशियन हूँ, और मैंने इलेक्ट्रिकल में आईटीआई किया था। पहले सोचा था मैंने इसके पहले कि कोई मोबाइल का कवर खोलने की इच्छा हुई थी, मगर कोई मिला नहीं मुझे गाइड। आज इतने दिनों बाद, इतना संघर्ष करने के बाद आज पहली बार मुझे मोबाइल का आईसी लगा दिया डायरेक्ट। पहले दिन में 3 बार मैंने आईसी लगाया। जो भी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको क्या कहते हैं,
मगर धीरे धीरे आ जाएगा। कि मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपके आपके एशिया टेलीकॉम को, और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप लगे रहिए, आपको वो नॉलेज मिलेगा जो आप सोच के नहीं आए घर से। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है कश्मीर से, आए भाई जल्दी आ भाई कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है परवेज अहमद, मैं हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से जी। आज मेरा पहला दिन था, तो यहाँ पे पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं। और क्या करते, क्या था भाई तुम्हारा प्रोफेशन क्या था यहाँ आने से पहले? मैं सर इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लस मैं टेक्नीशियन भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करता था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं रिपेयर करते थे, मोबाइल में रिपेयरिंग करने में पहली बार आया जी? जी, पहली बार। ठीक है, तो पहली बार का पहला दिन कैसा अनुभव? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। क्या सवेरा आपने आईसी रिवॉल्व किया? जी सर, मैंने 8 बार कर दिया। 8 बार किया। अभी मैं आपको कोई सी मिमसी दूंगा दुनिया की, तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं, क्या मसला है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला। वो बात करें कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट भी इजीली सब कुछ आ रहा है अभी, आप लोगों ने सिखा दिया बहुत अच्छे से, देवरतन सर ने भी बहुत अच्छे से सिखाया, और आपने भी प्रैक्टिकली वो सब कुछ यहाँ पे कर दिया। अच्छा, तो जो सर पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल कैसा होता है यहाँ? ऑब्वियसली जो सर वहाँ क्लास में पढ़ाते हैं लैब में प्रैक्टिकल सेम भी वही होता है, और 12 घंटे। तो कोई डाटा मिस होता है क्या कि सर वहाँ कुछ बता रहे हैं यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? अनसिंक्रोनाइज होता है क्या? नहीं, सर कुछ बता रहे हैं और यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, तो जो सर बताते हैं वो आपको पीसीबी में बाय प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।